हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। PHED ग्रुप सी एंड डी की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है, जहां पर LDC ड्राइवर, पियोन, स्वीपर और भी अदर पदों के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मिनिमम 10वीं पास और मैक्सिमम ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन यहाँ पर ऑफलाइन आपको करना है और जिसके लिए हर पद पर आपको मैक्सिमम सैलरी 20,200 रुपए तक मिलेगी। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2019 है। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया है। नोटिफिकेशन संख्या भी आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो लगभग आपकी 154 के आसपास हैं, ग्रुप सी और डी के पदों के लिए। जहाँ पर पहला जो पद है वो है LDC का, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 20,200 रुपये सैलरी मिलेगी और कुल यहाँ पर जो नंबर ऑफ पद है यानी पोस्ट हैं वो है 42 पदों के लिए भर्ती आई है, जिन्हें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है ड्राइवर का। यहाँ पर पद ड्राइवर का पद है, ड्राइवर के लिए भी आपको 20,200 रुपए मिलेंगे और यहाँ पर पद हैं 15। फिर है जूनियर सुपरवाइजर का, इसके लिए आपको सैलरी 20,200 रुपए, कुल 30 पदों के लिए वैकेंसी है। फिर है फिटर ग्रेड सेकंड का, सेम सैलरी 3 पद। असिस्टेंट इंजन ऑपरेटर का यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 7,440, 31 पद। फिर है यहाँ पर बारकंडास का, इसके लिए आपको 7,440 सैलरी और 5 पद इसके लिए निकाले गए हैं। स्वीपर के लिए 13 पद सेम सैलरी, प्यून के लिए सेम सैलरी 15 पद। तो साथियों, ये कुल 8 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जहां पर कुल 154 पद लगभग हैं। सभी सरकारी पद हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर संविदा पर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो कुछ विकलांग अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। देखिए, जो सिलेक्शन है वो सभी का रिटन एग्जाम के आधार पर होगा, साथ ही साथ कंप्यूटर के कुछ स्किल टेस्ट भी होंगे। आप चाहे किसी भी पद के लिए यहाँ पर आवेदन करें, रिटन एग्जाम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। 60 मार्क्स का 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर 30 मार्क्स होंगे, जिसमें से जनरल नॉलेज के 30 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक, अगर ये LDC का हो गया, बाकी के पदों में रिटन एग्जाम जनरल नॉलेज का होगा 30 मार्क्स का और 30 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। ये आपको क्वालिफाई करना ही करना रहेगा, इसके आधार पर ही आपको सैलरी यहाँ पर या नौकरी दोनों चीज़ें मिलेंगी। जो अभ्यर्थी इसमें ऑफलाइन आवेदन करेंगे, जनरल और OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 500 रुपये, SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 400 रुपये यहाँ पर फीस भी देनी पड़ेगी, वो आप DD के माध्यम से देंगे। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर और नोटिफिकेशन है वो डिटेल यहाँ पर दी है, 7 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाकर देख पाएंगे। 7 अक्टूबर 2019 से 9 नवंबर 2019 तक आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन करने का ये एड्रेस पूरा दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको ये भेजना है। लिफाफे के ऊपर कैपिटल लेटर में आप पोस्ट का नाम जरूर लिखिएगा। वही डिटेल यहाँ पर भी दी है, 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन है और 9 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेट है वो 8 नवंबर रखी गई है, रिटर्न एग्ज़ाम इसका 24 नवंबर को कराया जाएगा। उसके बाद स्किल जो टेस्ट है वो उसकी अभी डेट नहीं दी है और अभी इसकी डेट आगे अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट होगी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा इस बारे में। ठीक है, तो ये इस वैकेंसी की डिटेल। अब आगे इसका जो मिनिमम आयु है और क्वालिफिकेशन वो भी देख लें।
एलडीसी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो ग्रेजुएट यहाँ पर आपको होना चाहिए, साथ में एमएस ऑफिस, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, आईडियोस, विंडोज, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। 18 से 38 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी एससी एसटी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ड्राइवर के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। बाकी सभी पदों के लिए सेम आयु है 18 से 38 वर्ष। आयु सीमा में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट भी मिलेगी। जूनियर सुपरवाइजर के लिए केवल हाई स्कूल पास, फिटर ग्रेड सेकंड के लिए केवल हाई स्कूल पास, साथ ही साथ यहाँ पर आईटीआई आपके पास होना चाहिए संबंधित ट्रेड में यानी कि फिटर में। असिस्टेंट इंजन ऑपरेटर के लिए हाई स्कूल पास, प्योन स्वीपर और वार्कंडाज के लिए सभी के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। रिटर्न एग्जाम के बारे में मैंने पहले से आपको बता दिया, सेम वो स्कीम यहाँ पर दी हुई है रिटर्न एग्जाम की, ठीक। ये इसका ऑफलाइन करने का आवेदन का फॉर्म है, यहाँ पर आपको फोटो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड स्टेटस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, एड्रेस, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ये दूसरा जो फॉर्म है ये अभी आपको फिल करना है। एडमिट कार्ड का फॉर्म भी आपको फिल करना है, यानी कि जितने फॉर्म लगे हैं सभी फिल करने हैं। फॉर्म का नो आपका जो लिंक है पीडीएफ का वो मैं अलग से दे दूंगा, नोटिफिकेशन का भी दे दूंगा, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे। याद रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के बाद डीडी लगाइएगा, डीडी के बाद सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद नीचे लगाइएगा, उसके बाद भी 9 नवंबर से पहले सभी चीज़ें सेंड करिएगा। और कोई अगर आपका प्रश्न सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।